फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत दिलचस्प लेसन। चाहे आप स्पोकन इंग्लिश सीख रहे हो, या फिर बात रिटेन की करें, या फिर किसी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यह लेसन आपके लिए बेहद जरूरी है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम प्रीपोजिशन अबाउट का सही इस्तेमाल देखेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, इस इम्पोर्टेंट लेसन की शुरुआत करते हैं। इसके पहले कि मैं इस लेसन को शुरू करूं, मैं आपको यहां एक बात बता दूं कि मेरे एक सब्सक्राइबर हैं और आपने कमेंट बॉक्स में पूछा कि आन वर्ड्स क्या है, यानी आन वर्ड्स का क्या मीनिंग होता है और इसे हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको आन वर्ड्स के बारे में बताऊंगा। तो आइए फ्रेंड्स, देखें कि अबाउट का सही इस्तेमाल क्या है, यानी किस कंडीशन में आप अबाउट का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अबाउट का यूज आप के बारे में या के संबंध में के लिए कर सकते हैं। जैसे She knows about me, इसका मीनिंग है कि वह मेरे बारे में जानती है या वह मेरे संबंध में जानती है। I know about her, इसका मीनिंग हुआ कि मैं उसके बारे में जानता हूँ। तो फ्रेंड्स, जब हमें कहना हो बारे में या संबंध में, तो हम अबाउट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अक्सर आप कहते हैं, Do you know about the Taj Mahal? यानी क्या तुम ताजमहल के बारे में जानते हो। आइए फ्रेंड्स, दूसरा रूल देखते हैं। फ्रेंड्स, कई बार हमें कहना होता है इधर उधर, और हम इधर उधर से स्थान का बोध आते हैं, यानी प्लेस की बात करते हैं, तो हम वहाँ पर अबाउट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे बुक्स आर लेइंग अबाउट द रूम, इस सेंटेंस का मीनिंग हुआ किताबें कमरे में इधर उधर पड़ी हैं। सी इज वंडरिंग अबाउट द टाउन, इस सेंटेंस का मीनिंग है कि वह शहर में इधर उधर घूम रही है। तो फ्रेंड्स, जब हम किसी प्लेस की बात करते हुए ये कहें इधर उधर, तो हम अबाउट का इस्तेमाल करते हैं। आइए फ्रेंड्स, तीसरा रूल देखें। काम तुरंत होने की दशा में हम अबाउट का इस्तेमाल करते हैं। फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि हम ये कहना चाहते हैं कि कोई काम जल्द ही होने वाला है या कोई काम शीघ्र ही होने वाला है, तो हम अबाउट टू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे वह आने वाला ही है, मैं कहूँगा ही इज अबाउट टू कम, वह दौड़ने वाली ही है, सी इज अबाउट टू रन। फ्रेंड्स, इस टॉपिक पर मैंने एक खास वीडियो बनाया हुआ है जो है पार्ट 11, और वहाँ मैंने सिखाया है कि इजारम प्लस टू और इजारम प्लस अबाउट टू में क्या फर्क है, जबकि दोनों की मीनिंग सेम है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इजारम प्लस टू या इजारम प्लस अबाउट टू को लेकर कंफ्यूज हैं, तो पार्ट 11 जरूर देखें। आइए फ्रेंड्स, अब लास्ट रूल देखें। फ्रेंड्स, की लगभग यानी नियरनेस ऑफ टाइम। फ्रेंड्स, कई बार हम अपने सेंटेंसेस में के लगभग बोलते हैं, जैसे लगभग 8 बजे है, इट इज अबाउट 8 o'clock। अगर आपको कहना हो वह लगभग 7 बजे आया, तो आप कहेंगे ही arrived about 7 o'clock। तो फ्रेंड्स, टाइम के सेंस में जब आपको कहना हो लगभग, तो आप अबाउट का इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि अबाउट का इस्तेमाल आपको शानदार तरीके से समझ में आया। आइए फ्रेंड्स, अब onwards के बारे में देखें कि onwards का क्या इस्तेमाल है। फ्रेंड्स, onwards means के आगे या के बाद या भविष्य में। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो कल के बाद या कल के आगे, तो आप कहेंगे टुमारो onwards। अगर आपको कहना हो एक साल के बाद, तो आप कहेंगे वन ईयर onwards। onwards means के आगे या के बाद या भविष्य में, यानी मुस्तकबिल में। एग्जांपल देखते हैं, मैं कल के बाद आऊंगा, तो आप कहेंगे आई विल कम टुमारो onwards, यानी मैं कल के बाद आऊंगा या कल के आगे आऊंगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि वर्ड onwards के बारे में आपको समझ में आया कि onwards means के आगे या भविष्य में या के बाद। 4 दिन बाद 4 days onwards, कुछ महीने बाद some months onwards, अगर कहना हो मार्च के बाद, तो आप कहेंगे मार्च onwards। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि यह छोटा सा टॉपिक आपको समझ में आया। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।